बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के मौत के बाद अब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस की बंदूक से आत्महत्या करने की कोशिश की है। इस मामले में अभी तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। महीनों बाद भी आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। चूंकि स्कूल का निदेशक मंडल बीजेपी आरएसएस का है, इसलिए सवाल उठा है कि क्या ये सब उन्हें पढ़ने के लिए किया जा रहा है। इन सभी मामलों की हाईकोर्ट जज के माध्यम से गहन जांच कराई जाए और तथ्य सामने लाए जाए। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। या घटनेमध्ये जे काही ऐकायला मिळतात की त्यांनी पोलिसांची बंदूक इसकून स्वतःच खुदकुशी केली, पोलिसांच्या झटपटीमध्ये त्याच्यावर एन्काउंटर झाला, अशा पद्धतीच्या बातम्या पुढे येतात। अजूनपर्यंत याच्यामधले सगळे आरोपी पकडले गेले नाही। या घटनेला महिने उलटले, आरोपी कुठे गेलेत बाकीचे ते त्यांचा पता नाही। आता योगायोगाने या शाळेचे संचालक मंडळ हा आरएसएस आणि बीजेपीचा असल्यामुळे त्याला वाचवण्यासाठी हा सगळा आटापिटा केला जातो काय, या निमित्ताने हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आणि म्हणून आमची मागणी अशी आहे की माननीय उच्च न्यायालयाचे सिटिंग जजच्या माध्यमातून या घटनेची सखोल चौकशी होऊन वस्तुस्थिती पुढे आणून या घटनेमधला एकही आरोपी सुटला गेला नाही पाहिजे, त्याच्यावर कडक कारवाई केली गेली पाहिजे, ही मागणी काँग्रेस पक्षाची या ठिकाणी आहे।